राधे राधे। तो ठंडी आ चुकी है और इस टाइम जो है कि ठंड एकदम बहुत ही अधिक पड़ रहा है। शरद हवाएं जो है वो काफी तेजी से चल रही हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों की ठंडी में नहाने के 4 बहुत ही अद्भुत फायदे, जो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ठंडी में एक दिन नहीं नहाएंगे, 2 दिन नहीं नहाएंगे, हफ्ते हफ्ते भर लोग नहीं नहाते हैं, और लोग तो 15 15 दिन तक भी नहीं नहाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप ठंडी में ठंडे पानी से डेली स्नान करते हो, डेली नहाते हो, तो आप लोगों को कितने ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैंने आज 2 बार नहा लिया। पहला जब मैं सुबह उठा मॉर्निंग में, तब नहा लिया, और मैंने दोबारा जाके संगम में भी स्नान किया। तो मेरा 2 टाइम हो चुका है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग अभी तक नहाए हो या फिर ऐसे ही बिस्तर में घुसे पड़े हो। तो इन सब बातों को छोड़ते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि ठंडी में नहाने के कितने ज़्यादा फायदे होते हैं। अगर आप लोग ठंडी में नहीं नहाते हो तो कल से नहाना एकदम स्टार्ट कर दो, आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त फायदा होगा। सबसे पहला, आप जब ठंडी में ठंडे पानी से स्नान करते हो तो आपके जो हेयर्स होते हैं, आपकी जो स्किन होती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। आपकी जो स्किन और हेयर के लिए जो ठंडा पानी है वो काफ़ी हेल्प करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब 2 3 दिन तक नहीं नहाते हो तो आपकी जो स्किन है वो काफ़ी रूखी रूखी हो जाती है, आपके जो हेयर्स हैं उसमें काफ़ी रूसी आ जाते हैं, डैंड्रफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब आप 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक नहीं नहाते हो तो आपके जो बाल हैं एक दूसरे से एकदम चिपक जाते हैं, घुंघरीले होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे भी आप लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। तो अगर आप ठंडी में नहीं नहाते हो तो डेली नहाया करो, आपकी जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी या फिर जो हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी सब दूर हो जाएंगी। दूसरा क्या है कि अगर आप ठंडी में नहाते हो तो आपका जो इम्यूनिटी पावर है वो काफी बूस्ट करेगा ठंडे पानी से नहाने पर। तीसरा क्या है कि अगर आपकी जो मांसपेशी है उसमें दर्द रहता है तो उसमें भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, हाथ में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, वो क्या करते हैं कि ठंडी में ऐसे ही बिस्तर में घुसे पड़े रहेंगे, कुछ करना है नहीं ठंडी में, तो आग के पास बैठेंगे या फिर बिस्तर में घुसे पड़ेंगे और नहाते भी नहीं है। लेकिन अगर आप ठंडे पानी से डेली स्नान करना स्टार्ट करते हो तो आपकी जो मांसपेशियों में दर्द रहता है वो भी एकदम खत्म हो जाएगा। आप लोग एक बार करके देखना, जिसको भी ये प्रॉब्लम होगा उसको भी बताना कि भाई ठंडी में नहाने के कितने ज्यादा फायदे होते हैं। चौथा है कि अगर आप ठंडी में डेली नहाते हो तो आपका जो हेल्थ है भाई, हेल्थ कभी भी मतलब डिस्टर्ब नहीं होगा ठंडी में, आप एकदम मस्त रहोगे। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो लोग बिस्तर में रहते हैं उनको ठंडी बहुत जल्दी लगता है, क्योंकि क्या होता है कि वो दिन भर आलस के मारे एकदम बिस्तर में घुसे पड़े रहेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो भाई उनको ऑब्वियसली है कि ठंडी लगेगा। लेकिन जो लोग सुबह सुबह उठकर नहा धो के अपना एकदम फ्रेश रहते हैं, उनका बॉडी एकदम मस्त रहता है और उनका जो हेल्थ है वो एकदम फिट रहता है, उनको कोई भी ठंडी से दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मैं एक चीज और आप लोग को बता दूं, जिनको भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है ठंडी में नहाने से, तो प्लीज वो लोग ऐसा ना करें। और बाकी जिनको भी प्रॉब्लम नहीं होता है तो भाई प्लीज यार डेली नहाया करो, कम से कम आलस करने से कुछ नहीं होगा, तो डेली नहाया करो और आप लोग देखोगे कि आप लोगों के लाइफ में कितने ज्यादा चेंजेस आते हैं। तो डेली नहाना है ठंडे पानी से, गर्म पानी से बिल्कुल भी नहीं नहाना है। गर्म पानी से क्या होता है कि आप नहाओगे, आपकी जो स्किन है वो काफी रूखी रूखी हो जाती है, आपके जो बाल हैं उसमें भी काफी ज्यादा डैंड्रफ आ जाते हैं। तो हमेशा ठंडे पानी से नहाओ और गर्म पानी को थोड़ा सा अवॉइड करो। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग डेली नहाते हो या फिर नहीं, अगर नहीं नहाते हो तो डेली नहाना स्टार्ट कर दो। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।